कामयाब बनने के लिए इंसान को मोटिवेशन उतना ही जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। ये मोटिवेशन इंसान को हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। पर ये मोटिवेशन भी दो तरह के होते हैं। तो क्या है ये दो तरह के मोटिवेशन, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पता लग जाएगा कि आप इन दोनों में से कौन से कैटेगरी में आते हैं। एक होता है इंस्टेंट मोटिवेशन। दुनिया के लगभग 99% लोग इसी मोटिवेशन का शिकार बनते हैं, जो हमेशा दूसरों की कामयाबी देख के मोटिवेट होता है। और सिर्फ मोटिवेट नहीं, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। किसी ने यूपीएससी निकाल लिया तो उन्हें भी यूपीएससी निकालना है। किसी ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो उन्हें भी नीट ही करना है। और उन्हीं से इंस्पायर होकर अपनी जिंदगी का फैसला कर लेता है। कुछ दिनों तक तो बहुत मोटिवेट रहते हैं और मेहनत भी करते हैं। और जब कुछ दिनों के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि शायद उसने गलत रास्ता अपना लिया है, तब उनका ये मोटिवेशन पूरी तरह से ठंडा पड़ने लगता है। और ऐसे लोग आगे चलकर बार बार यही गलती दोहराते हैं और अपने जिंदगी को जहन्नम बना लेते हैं। इनमें से कुछ तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें दूसरों से इंस्पायर नहीं होना, लेकिन दूसरों से इंस्पायर होकर किसी फील्ड में उतरने से पहले अपने एबिलिटी को पहचानना है। किसी से इंस्पायर होकर मोटिवेट होना और बगैर किसी मकसद के मेहनत करना, ऐसा मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं रहता। और दूसरा है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। दुनिया के बाकी बचे 1% लोग इसके दायरे में आते हैं, जो कभी भी दूसरों से इंस्पायर होकर बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं होता। इनके अपने जिंदगी का एक मकसद होता है और उनका ये मकसद उन्हें कभी डिमोटिवेट नहीं होने देता। उनका ये मकसद हमेशा उनकी आंखों के सामने रहता है और इसीलिए कभी उनका मोटिवेशन खत्म नहीं होता। और इस मकसद को पाने की चाहत उन्हें बिना थके बिना रुके लगातार मेहनत करने पर मजबूर करता है। और यही वो 1% लोग होते हैं जो अपनी कामयाबी से इतिहास रचते हैं। अब सवाल यह है कि हम हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। अगर हमेशा मोटिवेट रहना चाहते हो तो अपने दिल में ये दो मकसद बैठा लो। पहला कि मेरे माँ बाप ने मुझे लेकर जो सपने देखे हैं, उन सभी सपनों को मुझे पूरा करना है। और दूसरा है कि मुझे खुद को इतना काबिल बनाना है ताकि मैं जब खड़ा रहूं तो किसी की बैठने की हिम्मत ना हो। अगर इन दोनों मकसद को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेते हो तो तुम कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।